सो गाइस, हमारा अप्रैल सीजन ऑलमोस्ट यहाँ पर एंड होने को आया है एंड मई का स्पेशल मंथ स्टार्ट होने वाला है। सो इस बार हमें कौन सा न्यू हीरो का स्किन स्लैश सीनरी देखने के लिए मिल सकता है हमारे मई 2024 गोल्ड पास के अंदर। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लेना, काफी इन्फॉर्मेटिव एंड अमेजिंग वीडियो होने वाला है। सो चलो गाइस, सिंपल से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं कि भाई इस बार हमें मई 2024 गोल्ड पास के अंदर क्या देखने के लिए मिल सकता है। बट आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो, ऐसे क्लैश ऑफ क्लैन अमेजिंग कंटेंट देखना पसंद करते हो, सो मेक श्योर गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो भाई सिंपल से अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, इस वाले वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले हम लोग सीनरी के बारे में बात करने वाले हैं, उसके बाद अपने हीरो के स्किन के बारे में बात करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले सीनरी के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई हमें लास्ट सीनरी देखने की मिली थी मार्च 2023 में, यानी कि भाई ऑलमोस्ट एक साल से भी ज़्यादा हो चुका भाई सीनरी हमें गोल्ड पास के अंदर वापस से नहीं मिली। सो भाई आप लोग इसका आंसर नो मान सकते हो कि भाई इस बार भी शायद से आपको सीनरी गोल्ड पास के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसकी भाई मोस्ट प्रोबेबली है कि आपको इस बार गोल्ड पास के अंदर कोई भी सीनरी नहीं मिलने वाली एंड इन फ्यूचर शायद ही आपको गोल्ड पास के अंदर सीनरी, क्योंकि भाई क्लैश ऑफ क्लैन ने सिर्फ हमें एक बार सीनरी दे दी और फिर छोड़ दिया भाई कि अब आपको सीनरी नहीं मिलने वाली, ऐसा कुछ आई थिंक मुझे रीजन लगता है। एंड हमारे न्यू कम्युनिटी मैनेजर ने भी हमें हिंट दिया था कि इस बार सीनरी आना मतलब कि गोल्ड पास के अंदर आगे सीनरी कंटिन्यू करना थोड़ा सा हार्ड है। हर बार की तरह इस बार भी चांसेस काफ़ी हाई है कि इस बार भी आपको गोल्ड पास के अंदर हीरो का स्किन ही देखने के लिए मिलेगा। एंड अभी हम लोग बात करते हैं कि भाई हमें कौन सा हीरो का स्किन देखने के लिए मिलने वाला है एंड उसके बाद बात करेंगे कि वो कौन सा थीम पर बेस्ट रहेगा। तो इसके लिए भाई हमें चेकआउट करना पड़ेगा अपना प्रीवियस वन ईयर का डाटा कि भाई हमें क्या क्या देखने के लिए मिला था पिछले एक साल के अंदर। सो गाइस देखो, मई 2023 के अंदर हमें देखने के लिए मिला था अपना डार्क एजेस किंग यानी कि किंग का स्किन। जून के अंदर मिला था भाई अपने को यहाँ पर क्वीन का स्किन एंड जुलाई मंथ के अंदर मिला था अपने को किंग का स्किन, प्लस अपने को यहाँ पे अगस्त मंथ के अंदर मिला था अपना फ्यूचर वॉर्डन यानी कि वॉर्डन का स्किन। सितंबर मंथ के अंदर भाई अपने को क्वीन का स्किन मिला था। अक्टूबर मंथ के अंदर अपने को चैंपियन का स्किन मिला था। नवंबर मंथ के अंदर भाई अपने को चैंपियन का स्किन मिला था, प्लस अपने को दिसंबर मंथ के अंदर अपना गिंगब्रेट वॉर्डन मिला था यानी कि वॉर्डन का स्किन। जनवरी 2024 में अपने को किंग का स्किन मिला था एंड उसी के साथ में अपने को फेब्रुवरी मंथ के अंदर मिला था अपना पर ड्रैगन चैंपियन यानी कि चैंपियन का स्किन। उसके बाद भाई मार्च मंथ के अंदर अपने को स्पेस क्वीन मिली थी यानी कि क्वीन का स्किन, प्लस गाइस अपने को अप्रैल मंथ जो कि अभी चल रहा है इसके अंदर भाई अपने को इजिप्ट वॉर्डन मिला था यानी कि वॉर्डन का स्किन। तो भाई अगर आप लोग इन सबको कैलकुलेट करोगे तो अपने को भाई टोटल एक साल के अंदर तीन किंग का स्किन मिल चुका है, क्वीन का स्किन भी तीन मिल चुका है, वॉर्डन का स्किन भी तीन मिल चुका है, प्लस आर्थिक का स्किन भी तीन मिल चुका है। मतलब गाइस क्लैश ऑफ क्लैन वालों ने सारे हीरो के स्किन को भाई बराबर बांट दिया यानी कि सभी हीरो के हमको ऑलमोस्ट तीन तीन स्किन देखने के लिए मिल चुके हैं। लास्ट एक ईयर का डाटा हमने चेकआउट किया। अब बात करें कि भाई मई 2024 में हमें कौन सा हीरो का स्किन देखने के लिए मिल सकता है। तो भाई देखो, हम अपने को अपन लास्ट किंग देखने के मिला था अपने को जनवरी 2024 में, तो भाई इसके चांसेस काफ़ी हाई है। ऑलमोस्ट आप लोग मान सकते हो कि भाई 80% चांसेस इसके कि आप लोग को इस बार यहाँ पर किंग का स्किन देखने के लिए मिल सकता है। तो इस बार किंग के स्किन के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है एंड भाई उसी के साथ में क्लैश ऑफ क्लैन वालों ने सभी हीरो के स्किन को यहाँ पर बराबर हिस्सा दे दिया है कि सभी हमें तीन तीन हीरो के स्किन देखने के लिए मिल चुके हैं लास्ट वन ईयर के डाटा में। तो भाई इस बार शायद हो सकता है क्लैश ऑफ क्लैन वाले न्यू हीरो के स्किन के साथ में अपना डाटा यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई देखते हैं इस बार आपको और कौन सा स्किन मिल सकता है, बट किंग का स्किन का भाई काफ़ी हाई चांसेस है कि अपने को भाई वॉर्डन का स्किन भी अभी मिल चुका है अप्रैल मंथ के अंदर, प्लस मार्च मंथ के अंदर अपने को क्वीन का स्किन भी मिल चुका है, चैंपियन का भी फरवरी में मिल चुका है, प्लस अपने को लास्ट किंग का स्किन मिला था वो जनवरी मंथ के अंदर। तो भाई किंग के चांसेस काफ़ी हाई है। अब बात करें कि भाई जो हमें हीरो का स्किन देखने के लिए मिलेगा वो कौन से थीम पर हो सकता है, यानी कि भाई जो अपना यहाँ पर मई 2024 का मंथ है वो कौन से थीम पर यहाँ पे बेस्ट हो सकता है। तो भाई देखो, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो भाई क्लैश ऑफ क्लैन वाले लास्ट कुछ यहाँ पे प्रीवियस मंथ से भाई एक न्यू सेट एक न्यू थीम रिलीज कर रहे हर बार। भाई जो पिछले वाले सेट जो उन्होंने अधूरे छोड़ दिए थे उनको वो अगेन यहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर रहे, तो भाई इस बार भी आपको शायद से न्यू सेट देखने के लिए मिल सकता है। एंड रिसेंटली क्लैश ऑफ क्लैन वालों ने अपने वीडियो के अंदर एक चीज़ को भी यहाँ पर रिवील किया था कि फुटबॉल टाइप का कुछ आपको डेकोरेशन वगैरह देखने के लिए मिल रहा था, तो शायद भाई स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी कुछ न्यू थिंग आपको देखने के लिए मिल सकता है क्लैश ऑफ क्लैन के अंदर, यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको अपना मई सीजन आपको देखने के लिए मिल सकता है। एंड गाइस, आप लोगों ने एक बात और नोटिस की होगी कि भाई स्पोर्ट्स से रिलेटेड अभी तक अपने क्लैश ऑफ क्लैन के अंदर कोई सा भी थीम नहीं आया, तो शायद से भाई इस बार आपको देखने के लिए मिल सकता है, या फिर भाई अभी समर का टाइम चल रहा है सो समर से रिलेटेड भी आपको थीम देखने के लिए मिल सकता है। इन दोनों की चांसेस काफ़ी हाई है, या फिर भाई क्लैश ऑफ क्लैन वाले हर बार कुछ न्यू थीम स्टार्ट करते, सो इस बार भी भाई मोस्ट प्रोबेबली है कि वो कुछ न्यू ही स्टार्ट करने वाले। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आप लोग बताना गाइस कमेंट बॉक्स के अंदर कि भाई आप लोग को क्या लगता है इस बार गोल्ड पास के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिल सकता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर से कर देना, ऐसे क्लैश ऑफ क्लैन अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूंगा आप लोगों से जल्द अपने नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड।